अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की मॉर्निंग हो गई है शुरू। हम सबका रोज़ा है और अलमीर का रोज़ा है। आपका? हाँ बाबू भैया कह रहे मेरा भी रोज़ा है। तो भाई अब करते हैं अफ्तार की तैयारी। तो आज अफ्तार में मैं अफ्तारी कुछ नहीं बना रही क्योंकि सबने कहा है बड़े दिनों से दिल चाह रहा है कि बीफ का पुलाव खाने का। तो आज ऐसा करो पुलाव बना लो अफ्तार के टाइम पर। तो ऐसे ही करेंगे, शरबत वगैरह खजूरी सारी चीज़ें करके हम अफ्तार नहीं बना रहे। हम आज बनाएंगे पुलाव, ठीक है। और जिस तरह मैं पुलाव बनाती हूँ वो भी आज आपको पूरा मैं दिखाऊंगी। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी आज का बीफ पुलाव। और उसामा जॉब पे गए हुए हैं, बाबू भैया मेरे साथ हैं और मेराल भी सो रही है। उसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो भाई और बाहर मेरे सीन है कुछ, कल हमने लगाई थी मशीन, कपड़े शपड़े धो लिए थे कि वही कपड़े वगैरह धो लेते हैं। तो आज अब ये बाहर रख दिए कपड़े, अब तैवे कर कर अलमारियों में जाएंगे। उससे पहले मैं पहले खाने की तैयारी कर लीजिए, पहले मैं यखनी चढ़ा कर आ जाती हूँ, फिर मैं ये वाला सारा काम समेट लूँगी, ठीक है। और बाबू भैया भी सुकून से लेटे हुए, तंग नहीं करेंगे। तंग तो नहीं करोगे मामा को? करोगे तंग? करोगे यार, ये तो गलत बात हो गई है। चलो मम्मा जल्दी से काम कर आती हैं, जब तक यहीं लेटे रहना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम किचन में। हाँ तो भाई किचन में हम आ गए हैं और अब करते हैं पुलाव की तैयारी। सबसे पहले हमने अपने के लिए अपने एक डेगची ली और इसमें बीफ लिया है, धनिया हरा धनिया है हमारे पास, टमाटर, हरी मिर्च और बाकी ये साबुत धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है साबुत, और इसके साथ प्याज, नमक, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ यखनी में, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से हम काम करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले मैंने बीफ को अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दी है और अब मैं इसमें डालूँगी साबुत धनिया, ज़ीरा और साबुत गरम मसाला, ठीक। इसी के साथ साथ अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन। मोबाइल कहाँ रखूँ? यहाँ रख देती हूँ। डालूँगी मैं अदरक लहसुन, नमक, हरा धनिया ऐसे ही डाल दूंगी, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, हम डाल देंगे पानी, तो फाइनली भाई यखनी चढ़ाकर मैं आ गई हूँ अपने बाबू भैया के पास। अब बाबू भैया क्या करना है बताओ, टैब देखोगे या मम्मा के साथ खेलोगे बताओ? अब अपनी चोट तो दिखा दो सबको, कैसे लगी थी बताओ। चलो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को बताओ आपकी चोट कैसे लगी है। अच्छा पहले चोट देख ले भाई, ये इनकी चोट लगी है। अब बताओ कैसे लगी थी? मम्मा बॉल दाओ। बॉल कौन करवा रहा था? और अदी? हाँ। अदी भाई भी करवा रहे थे। ये मैं गिर गए थे? नहीं वो बॉल। अच्छा फिर अदि भाई देख लें, इसने आप पर इल्ज़ाम डाल दिए कि आपने इसको धक्का दिया और ये गिर गए। अदि भाई ने फेंका था आपको? कैसे फेंका था अदि भाई ने, जल्दी से बताओ कैसे फेंका था अदि भाई ने आपको? बंदे। बंदे। इसको बंद कर लाओ मम्मा कर दें। अब बता अदी भाई ने आपको कैसे फेंका था? ये कैसी आइसक्रीम खाई है, पूरा चेहरा गंदा कर दिया आपने। बाबू भैया अभी मूड में भाई, तो ये टैप वगैरह देख रहे हैं। मैं बाबू भैया के साथ हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी और फिर अपने आप पुलाव तैयार करूँगी। वो सब आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। शाम आएँगे, उसके बाद उसामा ब्लॉग बनाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से है, ठीक ठाक है? तो भाई मैं आ चुका हूँ ऑफिस से, और ऑफिस से आया हूँ तो मैंने बोला भाई ब्लॉग ब्लॉग बना रही हूँ, तो बोल रही हाँ भाई ब्लॉग तो बन रहा है। और आज आप लोग को मेरे ख्याल से पुलाव की रेसिपी दे रही है, तो भाई ज़्यादा इस ब्लॉग में नहीं आएंगे, रेसिपी के ब्लॉग है तो रेसिपी बनेगी वही बनाएंगे, ठीक है ना? तो अभी क्या हो रहा है इस टाइम? प्याज ब्राउन हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, लाइटें ऑन हो गई हैं भाई, वो पहले का बता दिया सब कुछ है जी। ये अपनी तैयार कर ली है और अपना पुलाव तैयार हो रहा है। तो भाई ये पहले प्याज फ्राई करके हाफ निकाल लूंगी, हाफ इसमें रह लूंगी, फिर टमाटर और ये सारी चीज़ें, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये सब मैंने चॉप की हुई है। ठीक है, जब तक ब्राउन ना हो जाए। हैं तो गाइस प्याज ब्राउन होती है फिर मिलते हैं कि अगला ये क्या बना रहे, ठीक है? तो गाइस यखनी रेडी हो गई है मैडम की, पुलाव की चावल जलना है। चावल कितने हैं? 1 केजी। 1 केजी ज़्यादा बना लेते हम लोग, सही से खा लेंगे, हमारे लिए ये भी ज़्यादा है। ठीक है, धनिया बोल दीना, चावल दल गए भाई, ये प्याज भी दलेगी दम लगाने पर। अब ये चावल खिला दूं? आप नहीं करें, चावल टूट जाएंगे। नहीं नहीं को आते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं करने थे इसको, लेकिन मैं तरीके से कर लेता हूँ। छीन लिया गया क्योंकि इसको पता है मैं इससे अच्छा बना दूंगा, इसलिए छीन लिया। ऐसे टूटते चावल तेल। पानी क्यों मिलाया आपने? मिलाना पड़ता है भाई। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट होने के बाद ही होगा, ये खुलने पर ही होगा। तो भाई आज चाचा भी चाह रहे कि भाई क्या नाम है, ऑफिस भी बड़ा टफ होता है तो इसलिए नहीं रख पाते वो। तो उनका तुमने मजाक उड़ाया, मैं चाचा को दिखाऊंगा। चाचा को बुला लेते ना, अंदाजा। अच्छा, तो भाई अभी चाचा को बुलाते हैं और टेस्ट करवाते हैं इसका, और देखते हैं। अभी दम लगा रही है मैडम, जैसी दम से हटेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या इसकी कंडीशन आई है निकल के। सही है भाई, क्यों आपको एतबार नहीं, खाना अच्छा नहीं बनाती? एतबार है, अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जो तुम ब्लॉग रेसिपी के लिए बना रही हो तो उसमें भी आना चाहिए, नजर आना चाहिए भाई क्या बनाया क्या नहीं बनाया, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, सही है भाई, जैसी 15 मिनट बाद दम से हटेगा तो फिर हम दिखाएंगे आपको। ओके, तो गाइस ये दम हटा। ओहो, ये तो हैदराबाद वाला लग रहा है पुलाव, ऐसा नहीं लगता जैसे हैदराबादी पुलाव बनाया क्या तुमने? ये प्याज व्याज डालिए ना ऊपर, वहीं पे ऐसा मिलता है। वाह यार, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खा के देखते हैं, खाने में पता नहीं अच्छा ही होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चलो बीफ है ना जी, जल्दी से इसमें डालें और हम पेट में डालें रोज़ा खुलते ही। आज तो मजे का रोजा खुलेगा, चलो ले आओ। सही है, ओके। okay. रोजा खुल गया भाई, और पुलाव आ गया हमारे पास टैंग जूस के साथ, पहले एक नॉरस पियेंगे। अच्छा आलू भी डाल रहे हो? आ गए अम्मी पापा भी आ गए, आ गए सुबह, वो पीछे बैठी हैं। अलमीर कहाँ है? कल हम जल्दी से रोज़ा अफ्तार करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अफ्तारी हो गई, और बहुत अच्छा पुलाव बनाया था हमारी बेगम ने, थैंक यू बेगम, आपने आज अफ्तारी में पुलाव बनाया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा पुलाव था। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और बताइएगा भाई कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और अभी बेगम नमाज़ पढ़ने जा रही हैं और मैं पढ़कर आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं रमज़ानों में ब्लॉग। टाइमिंग थोड़ी बैटरी, कभी नहीं बैटरी, कभी थोड़ा लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, लेकिन बस आप लोग एडजस्ट कर लिया करें, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समझा करें इस चीज़ को। खैर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ओके बाय।